बड़ी खबर आ रही है हमारे पास राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां शास्त्री नगर के दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को कोटा से किया गिरफ्तार। जानकार के यहां छुपा हुआ था आरोपी। आरोपी सिकंदर के पास मिली एक डायरी, पहले पन्ने पर लिखा है मौत का कहर, भट्टा बस्ती में दो बच्चियों से कर चुका है दुष्कर्म। बड़ी खबर इस समय राजधानी जयपुर से, जहां शास्त्री नगर के दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को कोटा से गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि आरोपी जानकार के यहां छुपा हुआ था। आरोपी सिकंदर के पास एक डायरी भी प्राप्त हुई है और उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है मौत का कहर। हम आपको बता दें कि आरोपी शास्त्री नगर भट्टा बस्ती में दो बच्चियों से दुष्कर्म करने के बाद फरार चल रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला फोन लाइन में। जी दीपक, आखिरकार वो आरोपी पकड़ ही लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदतन अपराधी प्रतीत होता है, क्योंकि उसके पास जो डायरी मिली है उस पर मौत का कहर लिखा हुआ है। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए उमंग, शास्त्री नगर का मामला आपको पता है कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो आरोपी सिकंदर उर्फ दीवानू है, इसने दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पिछले सोमवार की ये घटना है, सोमवार से लेके अब 6-7 दिन इस पूरे घटनाक्रम को निकल चुके हैं। लगातार ये आरोपी कहीं ना कहीं फरार चल रहा था और इस आरोपी की वजह से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने की एक कोशिश यहाँ पर जरूर की गई थी। भट्टा बस्ती शास्त्री नगर इलाके में जिस तरह से एक समुदाय विशेष ने पत्थरबाजी की गई थी आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर, तो कहीं ना कहीं आरोपी की वजह से अशांति का माहौल बना था और लगातार ये फरार चल रहा था। पुलिस की नाक का सवाल बन चुका था इस आरोपी को गिरफ्तार करना और कल देर रात तक 8-8.30-9 बजे तक यहाँ पर कोटा में पुलिस की, जयपुर पुलिस की सूचना पर कोटा पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया। और जब आरोपी को पकड़ा तो उसके पास से जो डायरी मिली है उस डायरी में कहीं ना कहीं बेहद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जो साइको जो व्यक्ति होते हैं वो ये आरोपी है। इसने अपनी डायरी में लिख रखा है कि मौत का कहर यानी कि मेरा नाम, मौत का कहर मेरा नाम। और उसके अलावा इसने अपनी पेंटिंग बना रहे और उसके अलावा एक लड़की की भी इसने पेंटिंग बना रहे, वो लड़की पेंटिंग में बताया जा रहा है कि वो लड़की रोते ही दिख रही है। तो इस तरह से ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं साइको है। पहले ये चोरी और नकबजने की घटनाओं को अंजाम देता था और उसके बाद इसने विद्याधर नगर में आज से कुछ सालों पहले एक बच्चे के साथ कुकर्म किया और उसकी हत्या भी की गई। और उसके बाद जैसे ये जेल से जमानत पैरोल पर बाहर आया था, उसके बाद इसने बीते महीने में शास्त्री नगर इलाके में एक के बाद एक दो घटनाओं को अंजाम दिया जिसमें एक 4 साल की बच्ची और एक 7 साल की बच्ची के साथ इसने कहीं ना कहीं दुष्कर्म किया है। तो ये आरोपी कहीं ना कहीं समाज के अंदर रहने लायक नहीं है, इसको पकड़ना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर ये समाज में रहेगा तो ये ना जाने कितने इस तरह के बच्चों को अपने कुकर्म अपने जो है हवस का शिकार बनाता। तो जरूरत थी जयपुर पुलिस को इसको गिरफ्तार करने की और आखिरकार जयपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। कोटा से इसे जयपुर देर रात तक लाया जा चुका है। आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः पुलिस कोर्ट में पेश कर इस आरोपी को जरूर कहीं ना कहीं रिमांड पर लेगी। मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन की रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद आरोपी से सघन पूछताछ होगी और पुलिस पूछताछ में और भी कई बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। अब तक की जांच में करीब 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले और कहीं ना कहीं 10 बड़ी वारदातों का खुलासा हुआ। इससे पहले आरोपी को पुलिस पकड़ने गई थी आज से कुछ सालों पहले, तब इसने पुलिस के एक जवान पर हथौड़े से वार कर उसे घायल कर दिया था। तो वो मामला भी कहीं ना कहीं 307 IPC की 307 धारा के अंदर वो मामला भी आरोपी पर चल रहा है। तो ऐसे कुल मिलाकर कहा जा सकता है 12 मुकदमे में कहीं ना कहीं आरोपी ये नामजद है। और इसके अलावा अब इससे जब पूछताछ होगी तो और भी कई बड़ी वारदातों को खुला सकता है। 2 वारदातें बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं सामने आ चुका है, लेकिन अब इससे जब पूछताछ होगी तो ऐसा भी जांच में आ सकता है, पूछताछ में सामने आ सकता है कि इसने इससे पहले भी इस तरह से बच्चों के कहीं ना कहीं कुकर्म या दुष्कर्म की घटना की होगी, ये पूछताछ होगी। मैंने जैसा कि बताया जयपुर पुलिस ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर कमिश्नर ने बताया कि ये जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं साइको है और ये अगर बाहर रहेगा तो ना जाने कितने लोगों को अपने हवस का शिकार बनेगा। इसका पकड़ना बेहद जरूरी था और आखिरकार जयपुर पुलिस को कहीं ना कहीं सफलता मिल चुकी है। जी जी बिल्कुल दीपक, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।